कल रात भी यही बड़बड़ा रहे थे। पहली बार दारू पी के आया हूँ, बड़ा मंडा लग रहा है, काफी बुरा दिन था तुम्हारा। मेरी एक थ्योरी है कि आपका वर्तमान आपके अतीत के खंभों पे खड़ा होता है। अतीत घटनाएं मुलाकातें मेरे आज की नींव रखते हैं। ये कैसी ही मुलाकात है जो मेरा अतीत भी है और वर्तमान भी। ठंड का समय था, धुंध छाई हुई थी, दूर एक गवैया गुनगुना रहा था। लेकिन उस दिन मेरे लिए सभी खूबसूरत चीजें वहां होकर भी नहीं थी। उस शांत सी जगह पे मानो मेरे घुसने से एक अजीब सी हलचल मच गई थी। मैं समय को पीछे छोड़ने की होड़ से भागा चला जा रहा था, मन में एक ही ख्याल लिए मुझे थोड़ा और समय मिल जाए। कमर तू
फूल है पहली नजर। एक अदृश्य सा बहकावा था उसमें, न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से जानता। जब नजर से मिलाई मजा गया, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 120084 भोपाल जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भारी धूम के कारणवश अपने निर्धारित समय 4:10 से 2 घंटा देरी से चल रही है। असुविधा के लिए खेद। गाड़ी संख्या 21415 जबलपुर से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं भोपाल पहुंचूंगा कैसे। मतलब इन रेलवे वालों को थोड़ा तो दिमाग में रखना चाहिए ये सब चीजें। ऊपर से किसी का फोन भी नहीं लग रहा। सामने वाले
टाइम हो रहा है 4:20 और 28 सेकेंड्स। जी हाँ 28 सेकेंड्स। आप सोच रहे होंगे मैं पागल हो गया। सेकेंड्स, सेकेंड्स कौन याद रखता है? पर जब आपने ये चंद सेकेंड्स अपनी पूरी जिंदगी जिए हों तो इन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। समय मांगते मांगते आखिर मेरी इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था मैं किसी और का समय उधारी पर मांग बैठा हूं। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, शायद आखिरी। उसके तुरंत बाद मैं आपसे मिलूंगा। समय पहुंच चुका था, मुझे पूरी उम्मीद थी विजय का काम खत्म हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, जबलपुर से भोपाल जाने वाली इंटरसिटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बोला जा रहा है कि ट्रेन में मौजूद सभी यात्री मारे गए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये ट्रेन घटना डीरेलमेंट का कारण भारी धुंध भी हो सकता है। भारी तादाद में लोगों की जान लेने वाली दुर्घटना में आपातकालीन निकास फंस जाने के कारण कई सारे लोग आग की चपेट में आ गए। निकलने का कोई साधन न होने के कारण बस ये माना जा रहा है कि ये शायद इस सदी का सबसे जानलेवा हादसा हो सकता है। यहां तक कि एक घंटा छानने के बाद भी कोई जीवित व्यक्ति ना। वो प्लेटफॉर्म, वो मौतें। क्या बात कर रहे हो? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? समझ नहीं था क्या? उसे नहीं मरना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हो? वो तो सिमेंट मदद कर रही थी। मैंने अपनी मौत किसी और को दे दी। तुम भी जानते हो विधि का विधान कौन बदल पाया? जो होना हुआ। बस ट्रेन की टिकट जितनी बदल रही थी। तुम किसी को नहीं बचा सकते। बचा सकता था मैं उसको। शांत होकर बैठ जाओ। आप इतने शांत कैसे रह सकते हो? नहीं बचा सकते तुम उसे। नहीं बचा सकते तुम उसे। बचा सकता था मैं उसको। बचा सकते थे लगता है तुम्हें। बचा सकता था मैं उसे। दिया तुम्हें मौका। पर याद रखना, याद रखना, समय को कभी कोई बदल नहीं पाया। कोई बदल नहीं पाया समय को, कभी कोई बदल नहीं पाया।
कहते हैं कभी कभी भगवान से जो मांगो वो मिलता है। मेरी भी एक ऐसी ही गुजारिश थी जो आप पूरी करने वाले थे। आप मुझे देने वाले थे एक ऐसा जरिया जिससे मैं अपना अतीत बदल सकता था, एक ऐसा जरिया जिससे मैं समय में पीछे जाकर उसे बचा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जरिया मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। Oh!
जैसे जैसे ज्यादा हारते जाओगे वैसे वैसे मौके जिंदगी ने उस पे मेरे सामने इतने वार किए कि जी तो चाहा बस एक बार मैं भी पलट के जिंदगी पे वार करूं। Thank you.
धुन छाई हुई थी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा गया, यूं लड़ी आंख उनकी मेरी आंख से, यूं लड़ी आंख उनकी मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा गया, मेरे रश के कमर फूल पर भारी धूम के कारण अपने निर्धारित 2 घंटा देरी से चल पर रानी के बिना भी वो जीत जीत नहीं सकती। उसके बाद मैं फिर से कभी उस समय में पीछे नहीं गया। बस हाँ, एक चीज सीख चुका था कि मैं सिर्फ खेल खेलना सीखा, खेल जीतना नहीं। शतरंज का खेल
फिर कभी खेलेंगे शायद जब तब ना आगे जिंदगी भी क्या अजीब चीज है, अजीब अजीब फैसले करवाती है। इसी की गहमा गहमी में वक्त थम सा गया था जब तुमसे मुलाकात हुई। ऐसा लगता है माजी पीछे की तरफ खींच रहा है, पर जिंदगी जिंदगी आगे की तरफ बुला रही है। किसी की मौत के अंधेरों में खोकर जाना जिंदगी क्या चीज है। आंख उठाकर देखा तो आसमां अपनी बाहें फैलाए बुला रहा था। खुले आसमान में उड़ते परिंदों ने बताया कि जिंदगी अपने परों पर उड़ने का नाम है। सर झुका के देखा तो जमीन पैर चूम रही थी। जिंदगी अपना बोझ खुद उठाने का नाम है। उठते कदमों ने तय कर लिया ये जीना चाहते हैं। जिंदगी जिंदगी इसी का नाम है।